नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। एंड दैट आई विल डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। मोदी कैबिनेट की आज पहली बैठक है। शाम 5 बजे कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। पीएम आवास पर शाम 5 बजे ये अहम बैठक होगी। तीसरी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है। आज मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होगा, यानी कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। कौन से मंत्री कौन से विभाग संभालेंगे ये तय होगा। तो आज शाम 5 बजे तीसरी मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी। पीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। तो पीएम मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर हैट्रिक पूरी कर ली। पीएम मोदी के साथ उनकी कैबिनेट के 30 मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। किसको मिली कितने हिस्सेदारी, एक मिनट में पूरी खबर। पीएम मोदी ने रविवार को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आखिर किस राज्य से कितने मंत्रियों का प्रतिनिधित्व रहा, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश से 11, बिहार से 8, गुजरात से 6, ओडिशा से 3, कर्नाटक से 5, महाराष्ट्र से 6, गोवा से 1, जम्मू कश्मीर से 1, मध्य प्रदेश से 4, राजस्थान से 4, अरुणाचल प्रदेश से 1, हरियाणा से 3, केरल से 1, तेलंगाना से 3, तमिलनाडु से 1, झारखंड से 2, आंध्र प्रदेश के 3, पश्चिम बंगाल से 2, पंजाब से 1, असम से 2, उत्तराखंड से 1, दिल्ली और छत्तीसगढ़ से 1 प्रतिनिधि को मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के जातीय समीकरण पर भी खासा ध्यान दिया गया है। 30 कैबिनेट मंत्रियों में समान जाति के 15, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से 6, अनुसूचित जाति से 3, अनुसूचित जनजाति से 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। वहीं 36 राज्य मंत्रियों में से सामान्य जाति के 7, ओबीसी के 15, अनुसूचित जाति से 5 और अनुसूचित जनजाति से 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। कप्तान जितना अच्छा होता है उसकी टीम उतनी ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ियों को ही मौका देता है जो उसे मैच जिता कर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी लगातार तीसरी बार भारत के कप्तान बने हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेकर उन्होंने हैट्रिक लगा दी है। आपके स्क्रीन पर हम 14 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए मोदी की कप्तानी में कैबिनेट में कितने दमदार खिलाड़ियों ने शपथ ली है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया, जी किशन रेड्डी, सीआर पाटिल, एचडी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, राम मोहन नायडू, चिराग पासवान, निर्मला सीतारमण। तो ये वो तस्वीरें हैं जब मोदी की टीम में शामिल इन लोगों ने कल शपथ ली। और बिहार से गिरिराज सिंह एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में शामिल हुए। वहीं नित्यानंद राय भी रिपीट हुए हैं। नए चेहरों में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी निषाद शामिल है। झारखंड से 2 सांसदों ने शपथ लिया है। रांची से सांसद संजय सेठ और कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मंत्री पद की शपथ ली।